तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिवराज सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाकर सिविल अस्पताल का दर्जा जरूर दिया, किंतु डॉक्टरों के अभाव में आज भी मरीज परेशान हो रहे हैं। सरकार बदलने के बाद भी स्थिति बद से बदतर बनी है। कांग्रेस सरकार के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के ओंकारेश्वर आगमन पर 108 एम्बुलेंस की सौगात जरूर दी। समाज सेवी मनोज त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश शासन की 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ दम भी नहीं भर पाएगी, क्योंकि मोबाइल लगाने पर भोपाल चर्चा होती है। घंटों बाद मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध होती है। जो एम्बुलेंस या मंत्री द्वारा दी गई है वह खरगोन जिले के सनावत की होकर उसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल द्वारा करवाया जा रहा है। जबकि स्थिति यह है कि आज रविवार महिलाओं का पर्व होने के बाद भी एक डॉक्टर और महिलाओं का स्टाफ डिलीवरी जैसी आपातकालीन सेवा देने वाली व्यवस्थाओं को लेकर सेवाएं दे रही है। मुट्ठी भर स्टाफ 24 घंटे सेवा दे रहा है। अन्य स्थानों पर 8-8 घंटे की सेवाएं कर्मचारी दे रहे हैं। सिविल अस्पताल कागजों पर चल रहा है। यहाँ सुविधा के अभाव में आने वाले श्रद्धालुओं में अचानक होने वाली घटना दुर्घटना के दौरान 20 किलोमीटर बड़वा सनावत मरीज को रेफर करना पड़ रहा है। लैब टेक्नीशियन का तबादला हो गया। जांच के लिए मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है। डॉक्टर AK सिंह एवं डॉक्टर महिला जो पदस्थ थी उन्हें भी हटा दिया गया। मात्र एक डॉक्टर रवि वर्मा पदस्थ है। 108 सुविधा खंडवा खरगोन दो जिलों को संभालेगी। अच्छा होता मंत्री जी जन भागीदारी एवं श्री जी मंदिर संस्थान से एक एम्बुलेंस स्थायी रूप से ओंकारेश्वर प्रदान करते। कितने दिनों में स्टाफ व अन्य समस्याओं का निदान होता है, ये सब समय के गर्त में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से ललित दुबे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सिंहस्थ 2016 में यहाँ पे 2 मंजिला बिल्डिंग शासन द्वारा कर दिया गया था और अस्थायी रूप से सिविल अस्पताल का इसको दर्जा दिया गया था। अब अगर गाइडलाइन देखने जाएं अपन सिविल अस्पताल की, तो यहाँ पे 14 डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, जिस अभी वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि मात्र एक डॉक्टर और यहाँ की व्यवस्था। हरेश्वर नगर लगभग 11,000 से ऊपर की ही आबादी का है और आसपास का क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें सिर्फ अभी एक डॉक्टर और 2 नर्स। आज चूँकि हड़ताली का तीज व्रत है, महिलाओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, उसमें भी ये सिस्टर अभी इनपुन की डिलीवरी आई है उसमें लगी हुई है। अवकाश के दिन भी डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, मात्र एक डॉक्टर और 2 सिस्टर पूरा हॉस्पिटल मेंटेन कर रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना है। अभी प्रभारी मंत्री यहाँ पे ओंकारेश्वर दौरा था उनका, तो नगर के जनप्रतिनिधि गांव वालों ने स्वास्थ्य संबंधी एक बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ की वो रखी। उस पर भी अगर धरातल अपन तथ्य अगर निकाले जाए तो जो एम्बुलेंस की सुविधा मंत्री द्वारा यहाँ पे दी गई है वो शासन सनावद अस्पताल से यहाँ पे उसको दी गई है एम्बुलेंस को, जिसका आज उद्घाटन होना है। और 2 जिले एक एम्बुलेंस 2 जिलों को संभालेगी और प्रोसेसिंग वही रहेगी। भोपाल फोन लगाने के बाद उसको यहाँ से अलॉटमेंट होता है कि नहीं होता है, मिलती है कि नहीं।